ये गलतियां बन जाती है आपके बालों की दुश्मन। आप भी जरूर जानें। हर लड़की का सपना होता है कि उसके बाल घने और मजबूत हो, और अपने बालों की खूबसूरती के लिए आप इसकी पूरी देखभाल करते हैं और अच्छे प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या, आपके बाल तो धीरे धीरे रूखे और कमजोर हो रहे हैं और इसकी वजह आपको समझ नहीं आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके बालों के लिए मुसीबत बन रहा है, तो हो सकता है आप कंघी करते वक्त कुछ गलतियां कर रहे हैं। बालों को कंघी करने के सही तरीकों के बारे में पता नहीं होने के कारण कई बार बाल टूटने लगते हैं। इसलिए आपको सही से पता होना चाहिए कि कैसे करें कंघी जिसके कारण बालों का गिरना बंद हो जाए। बालों का गिरना या फिर उलझे बालों की वजह से चेहरा खराब दिखने लगता है। बालों में कंघी करते वक्त आपकी कुछ गलत आदतें इन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। जानिए क्या है वो गलतियां और इनसे बचकर रहें। हम हमेशा बालों को जड़ों से सिरों की ओर कंघी करते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। हमेशा पहले सिरों को अच्छी तरह कंघी करके सुलझा लें, इसके बाद जड़ों में कुंभ करें। इससे बाल अच्छी तरह सुलझ जाएंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। क्या आप भी बालों को कुंभ करने के लिए प्लास्टिक की कंघी का इस्तेमाल करते हैं? तो इस आदत को बदल दें। प्लास्टिक की वजह से आपके बालों में स्टैटिक की एनर्जी पैदा होती है जो इन्हें नुकसान पहुंचाती है। हमेशा लकड़ी वाली कंघी का इस्तेमाल करें। गीले बालों में कंघी करने की कभी गलती न करें। इससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। जब बाल सूख जाएं, तो पहले इन्हें बालों को पहले मोटे दांतों वाली कंघी से अच्छी तरह जरूर सुलझा लें। हम शावर के पहले या बाद में हेयर पेस्ट, मास्क, क्रीम और अन्य हेयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स को लगाते समय अपने बालों के ट्रेंगल्स को ठीक करने का प्रयास करते हैं। कई बार आप कोई हेयर पैक लगाने के बाद बालों में कंघी करते हैं ताकि ये एक समान तरीके से बालों में फैल जाए, लेकिन ऐसा ना करें। हेयर पैक के बाद बाल गीले हो जाते हैं, जड़ें कमजोर रहती हैं। हमेशा इन्हें लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह सुलझा लें।